नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फैक्ट और मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जायसवाल। आईपीएल 2022 का ये सीजन मुंबई इंडियंस के लिए कैसा रहा है ये हम सब से छुपा नहीं है। पॉइंट्स टेबल में 10वें नंबर पर मौजूद मुंबई इंडियंस यानी कि 5 बार की चैंपियन इस बार एक जीत के लिए भी तरस गई थी। हालांकि वो जीत आई पिछले मैच में जब राजस्थान रॉयल्स को उन्होंने पटकनी दी और अपना पहली बार खाता खोला इस सीजन में। वहीं अगर बात करें गुजरात टाइटंस की तो वो नंबर 1 पर मौजूद है 16 पॉइंट्स के साथ और आज का मैच यानी कि मुंबई के खिलाफ आज जो मैच होने वाला है वो अगर जीत जाती है तो 18 पॉइंट्स के साथ इस सीजन में पहली टीम बन जाएगी क्वालिफाई करने वाली। यानी कि गुजरात टाइटंस का प्लेऑफ खेलना तो पक्का है, पर बात करें अगर मुंबई इंडियंस की तो वो इस आईपीएल सीजन की पहली टीम बनी है नॉकआउट होने वाली। यानी कि बड़ी आयरनी वाली चीज़ है ना कि आज का जो मैच है जिसमें एक तरफ एक टीम है जो आज प्लेऑफ्स में पहुंचकर पहली टीम बन जाएगी क्वालिफिकेशन वाली और अगर बात करें एमआई की तो वो ऑलरेडी नॉकआउट हो चुकी है। यानी कि नंबर 1 और नंबर 10 का मुकाबला है तो एमआई की किस्मत देखिए, किस्मत शब्द जो है एमआई को इस बार बहुत चुभ रहा है, बहुत ज़रूरत है इस बार एमआई को किस्मत की। और पिछले मैच में चमकी राजस्थान रॉयल्स जो एक समय टेबल टॉपर थी और इस वक्त लीग में ऑन पेपर सबसे मजबूत टीम है उसे हराया था और एक अलग ही मतलब अपसेट दिया था राजस्थान को। और पिछला मैच जीतकर मुंबई इंडियंस ने दो बहुमूल्य पॉइंट जो है अर्जित किए और 10वें नंबर पर मौजूद है, अपना खाता खोला। तो क्या इस मैच में एक बार फिर मुंबई जो है उलट फेर कर सकती है, क्योंकि गुजरात टाइटंस इस लीग की सबसे ताकतवर टीम मानी जा रही है, नंबर 1 पर है। तो क्या आज रोहित शर्मा की जो टोली है, रोहित शर्मा की जो पलटन है, हार्दिक पांड्या की जो टाइटंस है, उनको हरा पाएगी? उसके लिए मुंबई एक बड़ा दाव खेलने जा रही है। जी हाँ, देखिए आप इस वीडियो में बताते हैं कि वो बड़ा दाव क्या होगा। दरअसल मुंबई इंडियंस में एक प्लेयर मौजूद है, ऋतिक शौकीन। जी हाँ, ऋतिक शौकीन स्पिन भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं, बट आज शायद मुंबई इंडियंस जो है उनके ऊपर दाव हटाकर मुरुगन अश्विन को वापस टीम में लाने जा रही है। जी हाँ, क्या ये फैसला, अगर मुंबई इंडियंस ये चेंज करती है अपनी प्लेइंग 11 में, तो क्या ये फैसला मुंबई की किस्मत बदलेगा या फिर पिछले विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ही मुंबई को जाना चाहिए या कोई और, ऋतिक शौकीन की जगह अगर आप कोई और देखते तो क्या वो होना चाहिए? क्योंकि मुरुगन अश्विन को शुरुआती मुकाबले तो खिलाए थे, बट शुरुआती मुकाबले खिलाने के बावजूद आपको टीम से ड्रॉप करना पड़ा क्योंकि वो विकेट्स नहीं ले रहे थे और साथ ही साथ महंगे भी साबित हो रहे थे। ऋतिक शौकीन को लाए, एक दो मैचेस खेले, बट शायद आज ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि ऋतिक शौकीन को आज रिप्लेस करके मुंबई इंडियंस मुरुगन अश्विन को लाएगी। बाकी तो प्लेइंग 11 में कोई भी चेंजेस होने की संभावना नहीं है। तो क्या ये दाव, क्या रोहित शर्मा का ये जो पासा है उनकी तरफ बैठेगा या फिर हार्दिक पांड्या जो इस बार नई नवेली टीम की कमान संभाल रहे और अपने ही कप्तान के सामने होंगे आज, क्योंकि एक समय था जब हार्दिक पांड्या ने अपने करियर की शुरुआत की थी रोहित शर्मा की कप्तानी में और उसके बाद आज का ये ऐतिहासिक दिन जब वो टॉस करने आएंगे रोहित शर्मा के सामने, तो ये बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। तो एमआई, क्या लगता है आपको कि एमआई आज एक बार फिर पलटवार करेगी, एक बड़ा उलटफेर करेगी या फिर गुजरात आज का मैच जीतकर प्लेऑफ में अपनी जगह बना लेगी? आपको क्या लगता है आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही साथ आज का मैच का विनर कौन होगा ये भी प्रिडिक्ट करिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और स्पोर्ट्स फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।